हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वासिस, आप देख रहे हो डी टेक्निकल वर्ल्ड। गाइस, हम सबको पता है कि इंडिया पे आने वाला है 5G। 4G के बाद अब आने वाला है 5G। तो गाइस, क्या आप जानते हो कि ये 5G कैसा होने वाला है या फिर कौन कौन सी चीजें यहाँ पे ऐड की जाएंगी 5G के मुकाबले 4G के मुकाबले 5G में। तो गाइस, और हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5G को इंडिया पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम इसी नए 5G के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस, चलिए आज बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप वीडियो हमारे चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ जाओ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट जंप इन टू द वीडियो। हमें जो इंटरनेट की दुनिया में सबसे पहले हमें देखने को मिल गई 1G पे, जो हम गाइस सिर्फ फोन कॉल्स वगैरह लगाए। उसके बाद गाइज आ गया 2G पे, हमें वही GPS ज़ेडर वाला हमें इंटरनेट देखने को मिल गया। उसके बाद आया 3G गाइज, थोड़ी सी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो थोड़ी सी स्पीड, हमें नेटवर्क स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्पीड देखने को मिल गई। उसके बाद गाइज आया 4G हम सबके जो हाथ में मोबाइल है उस पर तो हम अभी रन कर ही रहे हैं। उसके बाद बात आती है गाइज 5G। क्या 5G ऐसा होगा जहाँ पे हम अगर गेम्स वगैरह बड़े आराम से इन्जॉय कर पाएंगे, हमें मतलब इंटरनेट की नेटवर्क की प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, हम जहाँ भी जाएंगे मतलब फ़ोन कॉल्स वगैरह लगा पाएंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, इंटरनेट की बात नहीं है, 5G जो है अपने साथ में इंटरनेट के अलावा और बहुत सारे चीज़ लेके आने वाली है गाइस। ये जी हाँ गाइस, यहाँ पे लेके आने वाली है हम सबके लिए। तो गाइज यहाँ पे जो है मतलब आप जब ऐप वगैरह ओपन करते हो, मतलब लेटेंसी जो है, लेटेंसी यहाँ पे बहुत बहुत कम हमें देखने को मिलेगी। मतलब कोई यहाँ पर आप ऐप वगैरह ऑन कर रहे हो तो होता है ना, 3G 4G में अक्सर ऐसा होता ही है। मतलब कोई ऐप अगर ओपन करोगे बहुत देर बाद ओपन होता है, या फिर हमें कुछ सेकेंड्स आपको रुकने को पड़ती है। लेकिन जो 5G होने वाले गाइज, 5G पे हम सबको ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिलेगा, आपको जो है लेटेंसी बहुत कम देखने को मिल जाएंगी। जी हाँ गाइज, आप जो है मतलब बहुत आराम से आप सारे गेम्स वगैरह जो है इन्जॉय कर पाओगे, और गेम्स वगैरह के साथ साथ जो है हमारे पबजी जो है 5G पबजी पे हम अक्सर 3G 4G पे ऐसा होता है ना, हमें पिंग मिल रही है, बहुत कम हमें पिंग मिल रही है। और उसके साथ साथ जब हम एनिमीज़ को किल करने जाते हैं तो एनिमी को गोली लगने से पहले यहाँ पे हम बाद में पता चलता है कि यहाँ पे हम ही शहीद होंगे। तो गाइज ऐसा भी कभी कभी होता है। और जो गाइज 5G आने के बाद जो है ये सब ठीक हो जाएगी। और गाइज 5G आने के बाद जो क्लाउड गेम्स है वो बड़ी आसानी से गाइज मतलब हमें अपडेट मिलेगी, क्लाउड गेम इन्जॉय कर पाएंगे हम बड़े आराम से 5G आने के बाद। और इसके साथ गाइज हमारे जो ट्रूली स्मार्ट सिटी ये गाइज बहुत बढ़िया आराम से और आसानी से गाइज मतलब हो 5G आने के बाद हम कर सकते हैं। तो गाइज बहुत सारे मतलब चीज़ जो है लेके आने वाली है 5G अपने साथ। और इसके ज़्यादा है स्मार्ट सर्जरीज हो गए, जो डॉक्टर जो होते हैं कहीं और जगह पे बैठ के डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट कहीं और है। तो गाइज ये जो है ये इंटरनेट के जरिए बहुत फास्ट होगी, मतलब हम सब जो लोगों की जाने बच जाएंगी। क्योंकि कभी कभी डॉक्टर जो है वो कहीं और होते हैं, पेशेंट कहीं और होते हैं, और वो डॉक्टर भैया वहीं पे बैठे बैठे जो है गाइज अपना काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो है 5G आने के बाद वो काम बड़े ही आसानी से हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे जो 5G है इसके साथ साथ आने वाली है गाइज 5G टायर्स, मतलब स्मार्ट ड्राइवर कार्ड वगैरह जो हो गए वो अपने आप एक दूसरे कार्ड से इंफॉर्मेशन मांग पाएंगी। और गाइज 5G जो टायर्स की बात कर, 5G टायर्स का ऐसा होने वाला है, मतलब आप वो 5G टायर्स आपको लगा के आप जैसे घर से निकल जाओगे, मतलब आप जब कार को चला रहे होंगे तो गाइज वो टायर की मदद से आपको सब कुछ पता चलता रहेगा कि रोड आगे के रोड जो है वो कैसा है, रोड मतलब पक्की है या मतलब बुरी है, ये सब आपको पता चल जाएगा। गड्ढे वगैरह कितने हैं सब आपको जो है वो 5G टायर्स की मदद से आपको जो है पता चल जाएगा। इसके साथ साथ उन टायर्स जो है वो एक दूसरे से गाइज इंटरनेट का वेव जो है वो अपने पास खींच लेके गाइज मतलब बड़े आराम से अपने जो आप लोगों को जो इंटरनेट यूज़ करोगे उसे दे उसे मतलब थोड़ी सी और बेहतर बना देंगे। इसके साथ साथ जो मतलब 4G के मुकाबले 5G पे ऐसा होगा, मतलब 4G होता है ना, एक टावर है एक गांव पे गाइज, एक टावर बैठाया हुआ है और वही अपने सारा सर्विसेज देता रहता है दिन रात वो अपना सर्विस देता रहता है। लेकिन 5G पे ऐसा नहीं होगा गाइज, क्योंकि 5G पे जो है जो डिस्टेंस है वो बड़ी कम हो जाएगी, मतलब 5G पे जो है अपने टावर वगैरह की जो साइज़ है वो भी छोटी छोटी हो जाएंगी। और गाइज
जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगी, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर जाके आप दूर जाते जाते आपको जो है 5G टावर जो है आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ गाइस, आप जो है यहाँ पे मतलब 4G पे जैसे आपका एक ही टावर जा रहे जगह पे आपको जो है इंटरनेट छोटे जाता है, लेकिन 5G पे वो लोग अच्छी तरीके से देख पाएंगे ये कि कौन सा डिवाइस अभी एक्टिव है, कौन सा डिवाइस इंटरनेट से अभी डेटा वगैरह यूज़ कर रहा है, इंटरनेट से डेटा वगैरह डाउनलोड वगैरह कर रहा है। तो गाइज वो लोग ये एकदम अच्छी तरीके से देख पाएंगे, आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे, और इससे हम सबको फ़ायदा ये होता है कि वो लोग जो है हमें थोड़ी सी अच्छी इंटरनेट स्पीड जो है प्रोवाइड कर पाएंगे। इसलिए गाइज जो साइज़ होगी और डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी। इससे ज़्यादा गाइज जो है हमारा ट्रूली स्मार्ट सिटी जो है ये मतलब बहुत बड़े आसानी से सब कुछ काम कर पाएंगे। इससे ज़्यादा हमारे घर पे भी अब हम सबको इंटरनेट के साथ साथ वाईफाई जो है वो भी बड़े आसानी से हमें मतलब मिलेगी। अब ऐसा होता है ना कि हम एक घर पे अपने वाईफाई से अपने 10 चीज़ों को कनेक्ट करके रखा है, एक हेडेक है अपने अंदर, एक हेडेक रहता है कि ऐसे हम लोगों ने जो है इस तरीके से मतलब कनेक्ट करके रखा है, मतलब किस वक्त किसको इंटरनेट ज़रूरत होगी, किस वक्त किसको नहीं होगी, हम ये सब जो है गाइज इतने अच्छे तरीके से जानते नहीं है। तो गाइज जो 5G हो आप खुद सोचिए, 5G जब आएगा तो 5G आपको कितनी अच्छी तरीके से आपको सब कुछ मतलब समझाया, सब कुछ जो है आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगी, अच्छी तरीके से आप जो है ये सब कुछ कर पाओगे 5G के अंदर। सारी चीज़ आपके घर के सारी चीज़ों को आप जो है 5G से कनेक्ट कर पाओगे और बड़ी आसानी से वो अपने अपने काम जो है करते रहेंगे। तो गाइज मतलब बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट निकल के आता है 5G के मुकाबले 5G पे बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, बहुत अपने साथ बहुत सारे चीज़ जो है ऐड करके लेके आने वाला है गाइज 5G। तो ऐसे में ये खुद ब खुद एक अच्छी बात है। तो गाइज अभी आप लोगों का दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये 5G जो है ये क्यों निकालना पड़ा, 4G तो था ही, अब 5G भी क्यों आना पड़ा हमारे साथ हम सब के पास। तो गाइज और हम सबको इतने अच्छे अच्छे चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है। तो गाइज ये जो है बहुत अच्छी तरीके से हमें वर्किंग भी देखने को मिल जाएगा, मतलब 4G पे कभी ऐसा होता है ना, आप कभी भीड़ वाले एरिया पे हो, आपका जो फ़ोन पे डंडे तो सब दिखा रहे हैं लेकिन आपके कॉल्स लग नहीं पा रहे। तो गाइज ऐसे जो हो ऐसा वगैरह आपका बहुत कम हो जाएगी, लेटेंसी कम हो जाएगी। तो गाइज 5G में गाइज पॉजिटिव साइड बहुत सारी है, नेगेटिव तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ पॉजिटिव ही है 5G पे। मतलब 5G पे जो है आपका इंटरनेट वेव्स हो गया, इंटरनेट कॉल वगैरह, नेटवर्क स्पीड, सर्जर आपका जो है स्मार्ट ट्रेवल कार्ड वगैरह हो गया, उसके बाद आपका सर्जरीज हो गया, मतलब हेल्थ की बात कर रहा हूँ, आपका जो सर्जरीज का डॉक्टर जो सर्जरीज कंप्लीट करते हैं वो वगैरह हो गया, मतलब सब कुछ जो है मिला के बड़ा ही अच्छी तरीके से हम सबको जो है 5G के अंदर देखने को मिलेंगी सारी चीज़ें। तो गाइज अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हमें 5G पे कोई ऐसे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल जाए, 4G पे अब जब पहले 4G निकला था तब हमें 4G के साथ कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे लेकिन बाद में वो कम हो गए थे। तो गाइज आप सबके मन में अभी ये भी सवाल हो रहा होगा कि कई आप पे कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है गाइज ये जो है कोई साइड इफेक्ट वगैरह यहाँ पे नहीं होने वाले, मतलब आपको जो है एकदम क्लीन नेटवर्क जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, नेटवर्क कैपेसिटी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो इंडिया पे तो गाइज अभी चीज़ें प्लान हो रही है, इंडिया पे तो गाइज थोड़ी दिन बाद आने वाले हैं, या फिर हम अगर किसी डेवलप कंट्री के बात करें तो गाइज US में हो गया, US पे गाइज 5G है लेकिन सारे जगह पे 5G नहीं है, कुछ कुछ जगह पे 5G अवेलेबल है लेकिन सारे जगह पे जो है कुछ जगह 4G ही अभी भी है, 4G ही चल रही है। और गाइज इंडिया पे शायद दिल्ली मुंबई इस तरह इन साइट को जो है पहले हम सबको 5G जो है इन साइट को देखने को मिल सके, बाद में गाइज भोपाल हो गया, आसाम हो गया, नेपाल, मतलब इन साइट को थोड़े दिन बाद में आने वाली है गाइज 5G। और जो अभी के लिए जो 5G का जो फोन्स है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रही है गाइज, बहुत मतलब कंपनी वाले 5G कहकर एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, हम कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा जो है ले रहे हैं, लेकिन जब तक हम सबके कंट्री पे जो है मतलब जब तक 5G आएगा तब तक तो है गाइस पूरा मतलब यकीन है कि हमें 10-15 हज़ार की रेंज में भी हमें 5G जो है अवेलेबल हो जाएंगी। गाइस
10-15 हज़ार के रेंज पे, अभी तो अब गाइस मतलब नहीं है, मिड रेंज के फ़ोन्स में भी नहीं है। अभी जो फ़ोन्स है वो हाई रेंज के फ़ोन में हमें 5G जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, और एक फ़ोन में ऐसा, और रियलमी जो है 5G फ़ोन तो लॉन्च करने वाला है 10 दिसंबर को। इसके कल आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, 10 दिसंबर को गाइस 12 5G सपोर्ट वाला फ़ोन जो है रियलमी लॉन्च करने वाला, अपना पहला फ़ोन जो है वो लॉन्च करने वाला है। उसका मैं फुल डिटेल रिव्यू भी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो 10 दिसंबर को जो है वो लॉन्च होने वाला है इंडिया पे। उसका भी प्राइस एक्सपेंसिव होगा, लो प्राइस में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा ही होगा। तो गाइज ये सब जो है 5G के अंदर हमें देखने को, बहुत सारे चीज़ जो है हमें देखने को मिल जाएगी। तो जब आता है तो कब किस तरीके का हमें चीज़ जो है देखने को मिल जाती है। तो गाइस देखते हैं 5G जब आता है तो क्या कुछ हम अपने साथ लेके आता है। तो अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन लीक हुई थी मैंने आप सबको तो बता दी। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।